हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा पेनिट्रेशन टेस्ट ऑफ विटामिन बीजी पुट्टी के बारे में, किस प्रकार से इसका पेनिट्रेशन टेस्ट। भाई ये देखते हैं, सबसे पहले हम जो इसमें मेटल सिलिंड्रिकल फ्लैट बॉटम कंटेनर यूज करते हैं, उसका डायमीटर दोस्तों 55 mm होता है और इंटरनल डेप्थ उसकी 35 mm होती है। ये दोनों जो कंटेनर आपको दिख रहे हैं, मेटल सिलिंड्रिकल फ्लैट बॉटम कंटेनर, इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों कि बिटमिन को गर्म करके एक प्रॉपर टेम्परेचर में ला के और इसमें हम पोरिंग करते हैं। तो बिटमिन पोरिंग टेम्परेचर जो रहेगा नॉट मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिटमिन पोरिंग टेम्परेचर जो है दोस्तों। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसमें दोनों कंटेनर में, जब हमारा टेम्परेचर पोरिंग टेम्परेचर हमको मिल जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, तो हम इसमें देखिए किस प्रकार से हमको पोर करना है। दोनों सिलेंडर में हम पोर कर लेंगे दोस्तों। इसका जो पोरिंग टेम्परेचर रहेगा दोस्तों वो 90 डिग्री नॉट मोर देन 90 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके बाद दोस्तों जब हम दोनों कंटेनर भर लेते हैं तो दोनों कंटेनर को क्या करेंगे कि दोनों कंटेनर में जो हमने विटामिन डाला है तो उसको कूल, मतलब उसको ठंडा करने के लिए हम 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 to 90 मिनट के लिए हम उसको एटमॉस्फेयर पे रखेंगे। सैंपल कूल करने के लिए एटमॉस्फेयर पे एयर में हम 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 to 90 मिनट के लिए रखते हैं दोस्तों। जब हमारा दोनों कंटेनर ये फिल हो जाता है तो हम इसको क्या करेंगे कि दोनों कंटेनर को, दोनों सैंपल को दोस्तों हम एटमॉस्फेयर पे 15 से 30 डिग्री सेल्सियस 60 टू 90 मिनट के लिए रखेंगे। ये देखिए हमने रख दिया है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 टू 90 मिनट के लिए। इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जब हमारा दोनों सैंपल जो है अच्छी तरह से कूल हो जाएगा 60 टू 90 मिनट बाद, हम क्या करेंगे कि इसको इस कंटेनर को हम वाटर बाथ पे रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, 25 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 60 टू 90 मिनट के लिए हम वाटर बाथ पे रखते हैं। 60 टू 90 मिनट के लिए हम वाटर बाथ पे रखेंगे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। इसमें टॉलरेंस जो रहता है दोस्तों प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेल्सियस टॉलरेंस रखते हैं। इसके बाद दोस्तों इसमें जब इसका टेम्परेचर, जब इसका टाइम हो जाता है वाटर बाथ का 60 टू 90 मिनट, तो हम इसको क्या करेंगे कि दोनों कंटेनर को हम निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद दोस्तों इनको हम टेस्टिंग के लिए ले जाते हैं। अब जो हम टेस्ट करेंगे दोस्तों पेनिट्रेशन का, वो हम ऑटोमेटिक पेनेटोमीटर ऑपरेटर्स के थ्रू करेंगे, जिसमें ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस लगी होती है। उसमें ऑटोमेटिक जो है वो टाइम काउंट होता है सेकंड में दोस्तों। तो आइए देखते हैं, इसमें स्टॉपवॉच की ज़रूरत नहीं रहती दोस्तों। ये देखिए आपके सामने जो ऑटोमेटिक पेनिट्रेशन ऑपरेटर्स है, हम उसमें क्या है फिट कर देंगे। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो नीडल लगी हुई है दोस्तों, ये नीडल का जो साइज़ होता है वो नीडल का साइज़ 3 mm डायमीटर की ये नीडल होती है। ये नीडल आप देख सकते हैं, ये जो ऑटोमेटिक पेनिट्रोमीटर ऑपरेटर्स पे नीडल लगी हुई है वो नीडल का साइज़ जो है 3 mm डायमीटर होता है दोस्तों। तो हमने जो ये कंटेनर में सिंपल जो लिया है दोस्तों, मेटल सिलिंड्रिकल फ्लैट बॉटम कंटेनर में, वो नीडल को हम उसमें टच कर देंगे बॉटम तक, और उसके कंटेनर के ऊपर तक उसमें टच करने के बाद दोस्तों हम जो रीडिंग है इनिशियल रीडिंग, हम उसको जीरो में सेट कर लेंगे। इनिशियल रीडिंग को हम जीरो में सेट करेंगे। ये देखिए धीरे धीरे इस प्रकार से रीडिंग को हम जीरो में सेट कर लेते हैं। इनिशियल रीडिंग सेट कर लिया है हमने जीरो में। अब देखिए इसको हम चालू करते हैं, स्टार्ट का बटन जो है इसमें हम उसको चालू करेंगे। ये देखिए आपके सामने ये डिजिटल टाइप में ही हमने चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ऑटोमेटिक टाइमिंग डिवाइस जो है वो काउंट हो रहा है, 5 सेकंड काउंट हो गया है। अब 5 सेकंड के बाद देखिए ये धीरे से हमारा जो वैल्यू है इसका पेनिट्रेशन का, वो वैल्यू इसमें शो करेगा दोस्तों कितनी आई है। ये देखिए हमारी जो वैल्यू है दोस्तों, ये वैल्यू आ चुकी है 40 mm। इसमें फाइनल रीडिंग जो काउंट हुआ है इसमें 5 सेकंड 40 mm फाइनल रीडिंग काउंट हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों हम जो है साइड पे
विटामिन का पेंटेशन टेस्ट करते हैं IS 1203 के अकॉर्डिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।